हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट ग्रुप में हमने दो कमांडें पिछली वीडियो में कर रखी हैं, टेक्स्ट बॉक्स और हेडर एंड फुटर। अब हम इस वीडियो में वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम वर्ड आर्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग वर्ड आर्ट स्टाइल आ जाएंगे। जो भी स्टाइल हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किया। ब्लू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, बाय एस ज्ञान टेक। ये यहाँ पे लिखा तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। ये आने के बाद अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं स्टाइल, जैसे ये यहाँ पे कोई भी स्टाइल नहीं आया हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो शेप स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगे कि किस शेप में चाहिए। जैसे इसमें चाहिए ब्लैक में चाहिए, ये देखो ब्लैक शेप में आ जाएगा। ये अगर और चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया ब्लू में चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया ये ब्लू में आ जाएगा। और में चाहिए, जैसे ये देखो यहाँ पे ऑरेंज में चाहिए, ये ऑरेंज में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जो भी हैं शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और शेप स्टाइल हमें चाहिए, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत से स्टाइल दिए गए हैं। जो भी स्टाइल हमें अच्छा लगता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये सभी स्टाइल हैं, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और भी नीचे हैं, ये सभी स्टाइल पड़े हुए हैं। तो अब क्या है, हम यहाँ से ये स्टाइल लेंगे, ये ग्रीन स्टाइल हमने यहाँ पे लिया, ये स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे शेप फिल। ये जो शेप है ये किस कलर में फिल होके आए, तो शेप फिल पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये अलग अलग कलर है, जैसे इसमें चाहिए, जिसमें भी चाहिए उस कलर में। जैसे हमें ऑरेंज में चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया इसमें आ जाएगा। और शेप फिल में चाहिए तो जैसे हमने यहाँ पे आगे जो भी ये, जैसे पर्पल में चाहिए, ये देखो पर्पल में आ जाएगा। तो शेप फिल जिस भी कलर में चाहिए उसी कलर में आ जाएगा। अब सेकंड है शेप आउटलाइन। अगर शेप आउटलाइन में क्या आएगा, अलग अलग इसमें कलर आएंगे जो भी चाहिए। जैसे ये वेट में क्या, इसमें हमने ये सेलेक्ट किया, जैसे ये वाला सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेप आउटलाइन रखेंगे। जैसे किस कलर में शेप आउटलाइन चाहिए, जैसे हमें इस येलो कलर में चाहिए शेप आउटलाइन, तो ये येलो कलर में शेप आउटलाइन बन के आ जाएगी। ये देखो आउटलाइन जो है ये येलो कलर में आ जाएगी। ये करने के बाद अगर इसका स्टाइल जैसे डैशेस में चाहिए तो ये भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे इसमें चाहिए लॉन्ग डैश, तो ये लॉन्ग डैश में बन के आ जाएगा। ये देखो लॉन्ग डैश में बन के आ गया ये। इसके बाद इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं। ये बढ़ाने के बाद इसको नीचे यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद आगे है शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में प्री सेट, ये जो देखो प्री सेट में सेट हो रहा है। जो भी यहाँ पे हमें स्टाइल चाहिए वो स्टाइल हम चूज़ करेंगे, उसी स्टाइल में ये बन के आ जाएगा। ये देखो अलग अलग इसमें स्टाइल है। तो जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, सपोज़ करो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो इसमें आ जाएगा ये। इसके बाद शेप इफेक्ट्स में ये रिफ्लेक्शन का है, तो रिफ्लेक्शन में ये देखो रिफ्लेक्शन का आ गया है। जो भी स्टाइल चाहिए इसमें भी वही स्टाइल आएगा। जैसे इसमें चाहिए रिफ्लेक्शन, तो इसकी ये जो है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ये। तो और इसमें चाहिए तो और भी है रिफ्लेक्शन के,
अलावा इसमें ग्लो ग्लो में करना है, किस ग्लो में करना है, जैसे इसमें करना है या इसमें करना है, इसमें करना है, तो जिस भी ग्लो में करना है, जैसे ग्रीन में करना है तो ग्रीन में आ जाएगा, ग्रीन ग्लो में आ जाएगा। इसके बाद सॉफ्ट एजिस, ये सॉफ्ट एजिस जो भी हम चूज़ करेंगे उसी में बन के आ जाएगा, जैसे सपोज करो इसमें चाहिए, इसमें आ जाएगा ये। इसके बाद बीवर, इसमें किस में चाहिए, ये भी अलग अलग इसमें स्टाइल है, जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें इसमें चाहिए, ये देखो इसमें आ जाएगा। तो आगे 3D रोटेशन में चाहिए, ये देखो 3D रोटेशन में हो रहा है, जिस भी रोटेशन में चाहिए उसमें ये बन के आ जाएगा। तो हमें इसमें चाहिए या इसमें चाहिए, सपोज करो इसमें चाहिए, तो ये 3D रोटेशन में इसमें आ अब जाएगा क्या भाई। करना है, हमने ये जो लिखा हुआ है बायस ज्ञान टेक, इसको कलर में करना है, तो किस कलर में करना है बायस ज्ञान टेक को। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे किस कलर में करना है, ये कलर अलग अलग कलर है, जैसे ग्रीन में करना है तो ग्रीन में क्लिक करेंगे, या अगले में करना है जो भी हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, जैसे इस डार्क ब्लू में चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया ये डार्क ब्लू में आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आगे टेक्स्ट आउटलाइन, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसकी आउटलाइन कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए ये भी हमने यहाँ पे चूज़ करना है, किस कलर में चाहिए टेक्स्ट आउटलाइन। तो टेक्स्ट आउटलाइन ही सपोज करो हम यहाँ पे रेड में करते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जो आउटलाइन है ये रेड में आ जाएगी, रेड कलर में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट आउटलाइन ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको फिर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट आउटलाइन के बाद है टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब ये शेडो, शेडो में चाहिए टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये किस में चाहिए, आउटर में चाहिए, ये देखो ये जो शेडो है आउटर में चाहिए। तो जो भी हमें चाहिए, जैसे इसमें चाहिए ये जो हमारा, या इसमें चाहिए तो इसमें क्लिक किया, तो ये क्लिक किया, ये जो है इसकी शेडो आ जाएगी। इसके बाद इसको फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स पे गए, रिफ्लेक्शन पे गए, रिफ्लेक्शन के पे जाने के बाद ये देखो रिफ्लेक्शन आ रही है, टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन आ रही है, किस रिफ्लेक्शन में चाहिए ये भी यहाँ पे, ये देखो ये टेक्स्ट जो है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो सपोज करो हमें ये रिफ्लेक्शन इसमें चाहिए, तो ये देखो ये रिफ्लेक्शन, ये हमारा टेक्स्ट है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, इसके बाद है ग्लो, अगर ग्लो में चाहिए ये टेक्स्ट इफेक्ट, किस ग्लो में चाहिए, ये जो देखो ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो रहा है, किस ग्लो में चाहिए, अब ये ग्लो चेंज हो रहा है, तो जो भी ग्लो हमें अच्छा लगेगा उस ग्लो में हमने, जैसे ये हमें ऑरेंज में चाहिए, ये देखो ये जो टेक्स्ट है ये ऑरेंज ग्लो में आ जाएगा, तो ये ग्लो भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे गए, ग्लो के बाद आगे है बीवर, तो ये बीवर में चेंज करना है, जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें हम ये चेंज कर देंगे, जैसे हमें एंकल इसमें चाहिए तो इसमें ये चेंज होके आ जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स में 3D रोटेशन, यहाँ पे 3D रोटेशन ये जो टेक्स्ट है उसमें आ रहा है, तो जो भी हमें यहाँ पे चाहिए स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में ये आ जाएगा, ये देखो जिसमें भी हमें ये चाहिए उसमें बन के आ जाएगा। जैसे सपोज करो इसमें चाहिए, तो इसमें हमने सेलेक्ट किया इसको और इसमें आ जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बहुत से स्टाइल आएंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में फ्लो पाथ ये देखो इसमें चेंज हो जाएगा, जिसके ऊपर हम अपने
पॉइंटर को ले जाएंगे, ये उसमें चेंज होता जाएगा। ये देखो, जो भी स्टाइल हमें अच्छा लगता है उस स्टाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये उसी स्टाइल में बन के आ जाएगा जो भी हमने ये वॉल आर्ट बनाया हुआ है। जैसे ये देखो, इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया। जो भी स्टाइल यहाँ से हमें अच्छा लगेगा उसी में ये बन के आ जाएगा। ये देखो, जो स्टाइल जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में ये बन के आ जाएगा। तो अब जो भी हमारी चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से ये बन के आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो हमें ये जो है इस स्टाइल में बन के आ जाए, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये वॉल आर्ट उसी स्टाइल में बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम वॉल आर्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे एक और स्लाइड यहाँ पे लेंगे, जैसे न्यू स्लाइड, ये ब्लैंक स्लाइड ली। लेने के बाद अब हम अगली कमांड डेट एंड टाइम को करेंगे। डेट एंड टाइम कमांड को करने के लिए हम यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो डेट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगी। आने के बाद ये देखो, फर्स्ट स्लाइड में भी डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गई है, सेकंड स्लाइड में भी डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गई है। इसके बाद है आगे स्लाइड नंबर। अगर हम यहाँ पे स्लाइड नंबर लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड नंबर पे जाएंगे। स्लाइड नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू शो कर रहा है कि ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्लाइड नंबर आएगा, और ये जो डार्क में आया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये बता रहा है कि यहाँ पे डेट एंड टाइम है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्लाइड नंबर है। स्लाइड नंबर पे क्लिक किया, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया, ये देखो स्लाइड नंबर आ गया। फर्स्ट पे क्लिक किया, ये फर्स्ट स्लाइड है। ये सेकंड पे क्लिक किया, ये सेकंड स्लाइड है। तो इस प्रकार हम स्लाइड नंबर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे सपोज़ करो हमें यहाँ पे चार्ट चाहिए, एक्सेल का चार्ट अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम एक्सेल चार्ट, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये चार्ट यहाँ पे बंद किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बंद करेंगे, ये देखो चार्ट यहाँ पे, तो ये एक्सेल चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम एक्सेल का चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने और एक स्लाइड, जैसे ब्लैंक स्लाइड ली, यहाँ पे हम एक्सेल वर्कशीट लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, जैसे टू 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 ये लिखा। ये लिखने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे इसका टोटल करना चाहते हैं तो हम ऑटो सम पे क्लिक किया, ये सिक्स यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाएंगे, जैसे 22 यहाँ पे साइज़ रखा। रखने के बाद ये जो शीट है, एक्सेल वर्कशीट है, ये यहाँ पे हमारे स्लाइड में आ जाएगी। यहाँ पे इसको बंद किया, बंद करने के बाद ये हमारी स्लाइड में आ जाएगी। इसके बाद इसको यहाँ से बंद किया तो ये एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसके बाद एक और स्लाइड यहाँ पे लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। ये ब्लैंक स्लाइड आ गई। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद बिट मैप अमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पेंट में जो भी हम बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। बिट मैप अमेज यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से इसका साइज़ हमने बढ़ाया,
बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बनाएंगे। जैसे सपोज करो कोई शेप यहाँ पे हम बनाते हैं, जंगे जैसे एक शेप ये ली, इसके बाद फिर एक शेप और हम यहाँ पे लेंगे। जैसे ये शेप हमने बनाई, बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर फिल करेंगे। जैसे सपोज करो ए के लिए हमने ये कलर फिल किया, अब दूसरे के लिए हम कोई और कलर फिल करेंगे। जैसे ये दूसरे के लिए, अब बीच में कुछ और कलर, यहाँ पे सपोज करो हमने ये कलर लिया और इसको यहाँ पे फिल किया। तो इस प्रकार ये हमने पेंट में कुछ बनाया। तो ये बनाने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया, तो ये बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये स्लाइड हमारी यहाँ पे फोर्थ स्लाइड ये बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने वर्ल्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।